भगवान को किसी की सेवा चाहिए भी नहीं, वो आत्माराम है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो चले गए, खुश हुए, सुबह उठे इतने खुश, सब लोगों को उठाया तो सब लोग आश्चर्य और खुशी, दो चीज़ प्रभुपाद जी लिखते हैं, अमेजमेंट एंड हैप्पीनेस, दो चीज़ हुआ, एक तो सरप्राइज ऐसा हुआ है, ऐसा कोई सपना है, और खुशी, बिकॉज भक्त थे जनरली, वैसे अभी भी वृंदावन में लोग भागते हैं। और लेके चले गए तो उन्होंने बहुत लोग इकट्ठे किए और रास्ता बताया उनको कि भगवान उनको वो स्वप्न में रास्ता दिखाया था, रास्ता दिखाया दिखाया जंगल जंगल में सारा काटा, इतना इतना जंगल था कि घुस भी नहीं सकते, काट काट के घुस रहे थे। क्योंकि क्या बोला कि जब मुस्लिम लोग आए थे ये लोग मेरे को रख के भग गए, वापस नहीं आए, पता नहीं क्या मैं सोच रहा था, या तो वो मर गया होगा कहीं बेचारा, किसी ने मार दिया होगा या खुद ही मर गया होगा, जो भी हुआ वो वापस नहीं आया। ये थोड़ा अद्भुत लगता है कि वापस तो आना था उसको, अरे छुपा के कहीं पे गया तो वापस तो आना था। अरे नहीं नहीं जो पूजा कर रहे थे वो छुपा के गए ना, ठीक है, लेकिन वापस तो आना था ना, उसमें तो समझ आ गया मेरे को, अटैक हुआ था उनको बचाने के लिए उसमें छुपा के भग गए, लेकिन बाद में वापस क्यों नहीं आए, ठीक है उसका आंसर नोटिए। तो इन्होंने एनीवे वो सेवा माधवेंद्रपुरी के लिए, भगवान सीमित नहीं है किसी भी अवस्था से, माधवेंद्र वो नहीं आए जो भी है, माधवेंद्रपुरी को बुलाया उन्होंने, तो सब लोग, लेकिन उन्होंने विग्रह देखा सब लोग खुश, बहुत भारी विग्रह गोपाल जी का। अभी कौन कहाँ है वो मंदिर? नहीं वो विग्रह किधर है अभी? किधर किधर है अभी वो विग्रह? नाथ द्वार में है विग्रह, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी के नाम से ना बहुत फेमस मंदिर है, कभी जाएंगे दर्शन करने, शक्तिशाली विग्रह। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको उठाया और इतना भारी कि बहुत लोग बुलाने पड़े जो शक्तिशाली लोग, उठा के उन्होंने उसके ऊपर रखा और फिर उसके बाद उनका प्लेटफॉर्म बनाया, पीछे भी एक पत्थर रखा और भगवान को नहलाया, गोविंद कुंड से लाए, पहले 9 पॉट फिर 900 पॉट पूरा इंस्टॉलेशन हुआ, सारे गांव जितना हो सकता था जितना खाना था घर में, मतलब अन्न ये सब लाके भगवान को ऑफर किया, फीस चलते रही हुआ, हजारों चपाती बनी, आज ये चपाती बन रही है, हजारों चपाती बनी और लोगों को खिलाया, एक दिन दो दिन ऐसा चलता रहा, सारे गांव आए, फिर बड़े बड़े राजा लोग भी आए, उन्होंने धनी लोग आए, उन्होंने सुंदर मंदिर बनाया उनके लिए। और उसके बाद उनको माधवेंद्रपुरी को दोबारा स्वप्न आया, दूसरा स्वप्न, बहुत गर्मी लग रही है, ये तुम्हें क्या किया, थोड़ा पानी से कुछ नहीं हो रहा, मेरे को चंद लाओ मिले, देखो भगवान अंतर्यामी, थोड़ा भक्त से सेवा लेने में उनको आनंद आता है, भक्त को सेवा देने में आनंद आता है, वो भक्त है, भक्ति ही हो जिसको सेवा, आपको हमको बोला होता जरा थोड़ा चंदन, अरे यार हाथ होगी थका हूँ ऑलरेडी, मंगल आरती करा ये करो चंदन लाओ, हमारे मन में भगवान नहीं आए क्योंकि फ़ायदा ही नहीं करें, अगर भगवान किसी को सपना है थोड़ा चंदन घीसना जरा लाना मेरे लिए, हम लोग क्या बोलेंगे, देखो सुबह सेवा किया था ना अभी थक गया मैं सोता हूँ, हमको सेवा सेवा भाव अलग होता है। तो माधवेंद्रपुरी चले गए, अकेले कोई आसान नहीं है ऐसा जाना, मतलब चंदन लाने अकेला, उसमें आज बहुत तरह तरह के राज थे बीच बीच में, आप मर सकता है आदमी ऐसे, कोई भय नहीं, भक्त को भय नहीं होता, भगवान की सेवा तो भय है ही नहीं। वो चले गए और उन्होंने किसी तरह जाके उनको बहुत लीला हुई उसमें, शीर चोर गोपीनाथ की लीला हुई और वहाँ से भग गए थे वो। ये दूसरा देखिए भक्त के लक्षण, अभी ये तो टॉपिक तो आज वो था स्वप्न, उनको मालूम था कि अगर शीर चोर गोपीनाथ की लीला, जब उनके भगवान ने उनके लिए स्वीट रस चोरी किया, ये तो पुजारी कल सबको बताएगा और भीड़ आएगी इकट्ठे, मेरे को देखने के लिए भीड़ जरूर आएगी, भक्त को सम्मान नहीं चाहिए, क्या किया भग गए उधर से, रात ही रात भग गए। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, लोग आए भीड़ आई, क्या किया जहाँ वो बैठा था पूछा, वो सन्यासी बैठा किधर था, इधर उधर गड्ढा बन गया बड़ा, साहब ने एक एक मिट्टी पूरा लगा लिया अपने सिर में, ऐसा था कभी कभी करते हैं लोग, पुराने जमाने में लोग करते थे, अभी गांव में भी है कुछ जगह, आप गांव में कहीं चलो साधु का ड्रेस लेके तो लोग रोल करते हैं वहाँ पे, हैं ठीक है ना, लेकिन कलयुग में हमको अपनी स्थिति मालूम है, ऐसे माधवेंद्रपुरी जगह आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से भग गए और वो जगन्नाथपुरी पहुँचे और जगन्नाथपुरी में उनके
जगन्नाथ का दर्शन जब लिया, उनके लक्षण इतने आगे शरीर में, फिर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त तो सम्मान नहीं चाहता, लेकिन वो सम्मान उसके पीछे भागता है। ठीक है, तो उन्होंने उनको फिर सब सामान वामान मिला और उन्होंने राजा से सब सामान लिया, चंदन लिया, ये लिया, वो लिया, इकट्ठा होके कैंपर लिया और फिर वापस जा रहे थे। फिर और रमुना पहुँचे, जैसे ही रमुना पहुँचे फिर स्वप्न आया, तुम ये गोपीनाथ डीडी नहीं, मेरे कृष्ण गोपाल जी बोले मैं और गोपीनाथ एक ही है, तू इधर ही लगा दे, इधर ही लगा दे चंदन, मैं उधर ठंडा हो जाऊँगा। सो ये गेम अनदर ड्रीम, ठीक है ना, यही था तीसरा ड्रीम, यही था रमुना में था दोबारा कि तू यहाँ लगा दे गोपीनाथ को चंदन, वो मेरे लगाने के बराबर है, एक ही हम बिक रहे। तो एनी वे, तो देखिए दिस इज द ड्रीम। तो सप्तम में एक्चुअली कुछ लोगों को सपने में भूत भी आते हैं, बहुत भयानक होता है सपना, देखें ऐसे लोग भी, तो अच्छा रहता है नरसिम्हदेव को प्रार्थना करके सोएं, ठीक है, भयानक सपनों, क्योंकि सपने में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। स्वप्न में इंद्रिय भोग आता है, अभी क्या है जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सभी स्वप्न ही है, चार स्टेज है, एक है जागृति, एक है तूर्या ट्रांसेंडेंटल स्टेज, जब आदमी पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है। सबसे नीचे होती है स्टेज, मैं डिस्कस किया था, आत्मा होती है, जब आत्मा कहीं भी नहीं छू रही, डीप स्लीप में चले जाती है, अपने में ही है बस। लेकिन आत्मा जब मन को छूती है तो स्वप्न शुरू होते हैं, जब आत्मा शरीर को छूती है और मन को दोनों को, तब जागृति, अभी हम दोनों आत्मा दोनों से इंटरेक्शन में, जब आत्मा भगवान के टच में है उसको तूर्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तो आत्मा के पास है, लेकिन जब जब कॉन्शियसनेस टोटली विड्रॉ हो जाती है, डीप स्लीप, उसमें आप सोचते भी नहीं है, करें सोचते समय जब नींद आ रही थी सपना, आपकी आंखें रोल करना शुरू करती हैं, एक्चुअली साइंटिस्ट लोग को भी मालूम है, पता है आपको, रैपिड आई मूवमेंट साइंस में तो उसका नाम भी है, हाँ आरईएम, हाँ ये तो मेडिकल लोग, आरईएम मतलब एनआरईएम, उसमें स्वप्न नहीं होता ना जनरली, ऐसा मानते हैं हम लोग, बहुत बारी उन्होंने टेस्ट किया है, आगे ऐसे ऐसे है, पूरी रात जागे रहते हैं, कुछ काम है नहीं उनके, पूरी रात जागे रहते हैं, सांस से अगर आंसर ले लें तो ये सब टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई जैसे उनको पता चला, आंखें हिलनी बंद हुई, उठाते हैं, क्या सपना है, क्या सपना है, नोट करते हैं, ऐसे भी है, सपनों को स्टडी कर रहे हैं बहुत लोग। अभी साइंटिस्ट लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि हम सोते क्यों हैं और ये सपनों का मतलब क्या है, इस पर रिसर्च चल रहा है आजकल, तरह तरह से उन्होंने आंसर निकाले हैं। उनका आंसर ये है कि स्वप्न में कभी कभी जो दिन में चीज थी हम सॉल्व नहीं कर पाए, आदमी फिर सोते समय उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। दिन में बहुत कुछ होता है, आप किसी को कुछ बोल दिए, वो आपको कुछ बोल दिया, मन डिस्टर्ब है, तो सपने में भी उसको आदमी समझने की कोशिश करता है, भाई उसने ऐसा क्यों बोला। तो ये सपने में आदमी होता ना, जैसे आप गाड़ी को देते हो ना सर्विस के लिए, तो जब आप रेस्ट करते हैं तो बॉडी भी सर्विस हो रही है, उसको रेस्ट मिल रहा है, माइंड भी सर्विस होता है, नहीं नहीं ठीक है तो ऐसा सोच सकता है, नहीं नहीं इधर है। और साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी आंसर स्वप्न में मिला है, बेंजीम का डिज़ाइन स्वप्न में आया था उसको, वो आंसर ढूंढ रहा था स्वप्न में, नहीं ऐसा कर सकते, उन्होंने कोशिश किया, देखा है जैसे चूहा का, उन्हें एक्सपेरिमेंट किया, चूहे को इस रास्ते से ले गए, फिर उसको सपने में वही रास्ता बार बार ढूंढता है, आई थिंक उधर से जा सकता था, उधर से तरह तरह की चीज़ें उन्होंने सपने में। ये भी होता है, किसी ने आपने सोना देखा है और पहाड़ देखा है तो सोने का पहाड़ दिखता है, कॉम्बाइन भी होती हैं चीज़ें कभी कभी, बहुत तरह की चीज़ें सपने में आती हैं। कुछ लोग सपने को बहुत स्टडी करते रहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि स्वप्न सच है, कुछ लोगों को लगता है कि दिन सच है, सच कौन सा है, इसमें भी लोग बहकावे में आ जाते हैं, समझ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि स्वप्न झूठ है क्योंकि वो दो घंटे का था, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिन भी झूठ है, ये भी कुछ 40-50 साल का ही है, जितने भी साल का है ये भी झूठ है ना, आत्मा के लिए तो दोनों सपने को वैल्यू लेते हो क्या, कोई सपने से उठा है पता है क्या हुआ, ये हुआ यार छोड़, आपको कोई डिस्टर्ब होता है क्या, कोई बोले यार सपने में पता है मैंने एक शेर देखा है, ठीक आगे काम करते हैं, उसको आप इतना वैल्यू नहीं देते। तो सेम वे जो आध्यात्मिक लोग हैं वो दिन को भी वैल्यू नहीं देते, तो पता है वो उधर उस आदमी ने बड़ा सम्मान किया, आरती किया मेरा, ठीक है वो सपने की तरह, आपको रात में कोई नहीं, लेकिन हम बड़े खुश होते, पता उधर गया क्या, ऐसी आरती करी मेरी, मैं खुश हो गया हम दिन को। लेकिन जो आध्यात्मिक आदमी है दोनों को ही, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो तीन स्टेजेस हैं तीनों स्वप्न ही हैं, एक डीप स्लीप स्टेज वो भी सपने हैं जिसमें आत्मा कहीं भी छू नहीं रही, अनकॉन्शियस है,
जब आत्मा मन को इंटरैक्शन में, वो भी स्वप्न है, उसको तो स्वप्न बोलते हैं, और जागृति जिसको बोलते हैं दिन में आदमी इधर उधर घूम रहा, वो भी स्वप्न है, मैं ये हूँ। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है श्लोक, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब हम ये स्वप्न, जितने भी उपाधि इस दुनिया में बनाई हुई है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए, हाँ, ये सब जो उपाधि है ये स्वप्न की उपाधि है, ये असली उपाधि नहीं है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जब सारी उपाधि से आप मुक्त हो जाते हैं, तत्परत्वेन निर्मलम, इस तरह जब आपका मन स्वच्छ हो जाता है, मल निकल जाता सारा, हाँ, उस समय जब आप भगवान की इंद्रियों से सेवा करते हैं उसको ही भक्ति बोलते हैं। जब तक आपके पास उपाधि से सेवा करेंगे तब आपका भक्ति शुद्ध नहीं रहता। जन्म ऐश्वर्य श्रुताशी भी एदमान मदपमान, ये आप तरह तरह की उपाधि हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुताशी, इन चीज़ों की उपाधि से अगर कोई आदमी सोचता है मेरा बहुत बड़ा जन्म है, कोई बोलता है मैं धनी हूँ, श्रुता मेरे को बहुत ज्ञान है, शी मैं तो बता रहा था, असली में हम लोग अगर गंधर्व लोग हमको देखेंगे अलग अलग जानवर से कंपेयर करेंगे, ये कुत्ते जैसा दिखता है, घोड़े जैसा दिखता है, बंदर जैसा दिखता है, बिकॉज सुंदरता एक्चुअली देवता देवलोक में शुरू होती है और असली सुंदरता वैकुंठ लोक में है, लेकिन हम लोग भी अपने को सब सुंदर समझते हैं, लेकिन एक्चुअली देवलोक में देखेंगे ना भाई, ये तो कुत्ते जैसा दिखता है, ये तो बंदर जैसा दिखता है, ये तो घोड़े जैसा दिखता है, सब लोग ऐसे ही हैं बंदर, लेकिन सब लोग अपने आप को बड़ा सुंदर समझते हैं, कहीं पे शीशा मिल जाए घंटों देखते रहते हैं, मेरे समझ नहीं आता क्या देखते हैं, क्या भाई, सब लोग अपने को सुंदर समझते हैं, बहुत दुनिया के बहुत माया के बड़े सुंदर जाल है, तो स्वप्न है ये सब, स्वप्न है। हाँ, तो बैक टू कहाँ से शुरू किया था, कि जो साधु का जो स्वप्न है, साधु का स्वप्न आता है अगर जो इंद्रिय भोग है उसके लिए स्वप्न है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो साधारण व्यक्ति है, संगो त्यागा, जो साधारण व्यक्ति है समाज में, वो इंद्रिय भोग में बहुत अलर्ट रहता है, जैसे ही उसको इंद्रिय भोग का अवसर मिला एक्साइटेड हो जाता है, करेक्ट, एक्साइटेड हो जाता है, धन का यश का अवसर बहुत एक्साइट हो जाता है। मैं एक बारी याद है मेरे को कॉलेज में गया तो एक आदमी आया, बोला मैं तुम्हें बताता है कि बिना जॉब के कैसे तुम करोड़ों कमा सकते हो। अभी तक मेरे को याद है स्टूडेंट्स ऐसे बैठे थे और वो क्या बता रहा था आपको मालूम है, जितने यंगस्टर्स को आज का बेवकूफ़ बनाया था, नेटवर्क मार्केटिंग, सब आदमी 20-25 हज़ार रुपये उसमें खोए, जो लोग बैठे थे उधर, उनमें से कुछ लोग को मैं जानता था, मैं समझाया भी, फिर भी खोए, क्योंकि बिना मेहनत करे पैसा कमाने में सबको इंटरेस्ट आता है, करेक्ट, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, मेहनत भक्त लोग करते हैं बिकॉज भगवान से उनको प्रेम है। जब आपको प्रेम किसी से होता है उसको मेहनत को बोलते हैं लेबर ऑफ लव, उसमें आदमी को खुशी होती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब आध्यात्मिक प्रगति होती है तो मेहनत करने में आदमी को खुशी होती है, आलस में खुशी नहीं होती, आनंद आता है। जैसे प्रभुपाद जी भक्ति को बोले डिवोशनल सर्विस, क्या बोले, भक्ति नहीं को डिवोशन ही ट्रांसलेट किया, डिवोशन तो भाई, जैसे प्रभुपाद जी को बोला कि पुजारी अच्छा कौन है, प्रभुपाद जी पुजारी अच्छा वो जो टाइम पे काम करता है, सबको साफ रहता है, ये नहीं बोला जो प्रेम से भगवान को देखता रहता, वो सब छोड़ो अभी, साधना में मतलब बक्सनंद प्रभुपाद को भी ले लो, प्रभुपाद जी भी ले लो, हमेशा मेहनती लोग इस मूवमेंट में रखें। बक्सनंद प्रभुपाद ने लिखा इस मूवमेंट में आलसी लोगों की कोई जगह नहीं है, प्रभुपाद जी भी अपने मूवमेंट में आलसी लोगों की कोई जगह नहीं रखा, खुद मेहनत करते थे। प्रभुपाद जी परमहंस से बैठ सकते थे, हाँ मैं तुम लोग करो मेहनत, मैं कृष्ण प्रेम में लगा हुआ हूँ। जैसे बता रहा था ना वृंदावन से एक लड़का आया था, कहीं था किसी मंदिर में, प्रभु जी मैंने कहा तुम क्यों छोड़ के आए उधर, प्रभु जी मेरा जो लीडर था कमांडर वो तो 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है दिन में, और मेरे को तू ये नहीं करता ये नहीं करता ये नहीं करता ये करता, कैसे मन करेगा उसको, मन नहीं किया उसको, आ गया था इधर आया था फिर एनीवे कहीं चला गया। तो एक्चुअली जो भी लीडर होता है उसको मेहनत करना चाहिए, नहीं तो लोगों को इंस्पायर कैसे होगा, मैं क्यों काम करूँ, करेक्ट। जब आदमी भक्ति की चरम सीमा में चला जाता है उसको इमिटेट नहीं करना चाहिए, और हमारे तो संप्रदाय में बाबा जी है ही नहीं,
गौर किशोर बाबा जी के बाद भक्संदर प्रभुपाद ने भी बाबा जी नहीं बनाए, प्रभुपाद ने भी बाबा जी नहीं बनाए। वो बाबा जी मतलब बैठ के भगवान पे ध्यान, हम लोग का ध्यान उधर नहीं होगा, हम और का हमारा ध्यान ग्राम वस्तु में रहेगा, ग्राम कथा में रहेगा। जैसे जो रिटायर्ड लोग होते हैं जनरली, रिटायर्ड लोग जनरली कहीं पे भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पहले कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर तक। एक हमारा स्टूडेंट है, मैं उसके घर गया था तो पूरे घर को उसने इंगेज किया था सेवा में। बोला था मेरे पिताजी को इंगेज नहीं कर पा रहा। वो बड़ा अच्छा लड़का है, एक्चुअली बहुत अच्छा लड़का है, कृष्ण की कृपा से बहुत अच्छा भक्त है। जहाँ जाता है वहाँ से एक छोटा विग्रह ले आता है, सुबह 3 घंटा उसका वही है, सबका पूजा करता है। उड़पी आएगा उसका भी एक रख लिया, जगन्नाथपुरी जाएगा वो भी रख लिया, होता है ना, वहाँ से एक याद के लिए लाता है। तो जितने मंदिर गया उसके बाद उतने यहाँ छोटे छोटे कुछ विग्रह हुए। सुबह 3 घंटा सबको नहला के फूल, घर में तो इतना सेवा होता है, मंदिर का जैसा सेवा तो नहीं हो सकता, तब भी प्यार प्रेम से सबको नहलाता है, बैठ के 16 माला जप करता है। मैं इतना भी देखा कि लेट रात को भी 11 बजे 12 बजे ऑफिस आएगा, जपा खत्म करे मैं नहीं सो। बहुत मेहनती लड़का, बहुत अच्छा लड़का। और सबको वो काम दिया हुआ था, अपनी बीवी को तुमको ये साफ करके रेडी करने का, माँ को ये। बोला पिताजी को इंगेज नहीं कर पा रहा। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, प्रॉब्लम ये है वो सुबह से रात तक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसी वही उनका शास्त्र है। जैसे हम लोग भागवत पढ़ता है, भक्त का लक्षण है वो भागवत पढ़ता है, और कर्मी का लक्षण वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं भक्त और उससे, जैसे समझे ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण लक्षण आपको दिखते हैं उसके। जो सात्विक आदमी है उसको अलग तरह की चीज़ें पसंद आती है, लक्षण है। जैसे छोटे बच्चे को टेस्ट करते हैं ना, उसके आगे शास्त्र रखते हैं और पैसा रखते हैं, तो सेम वे आपके आगे दो चीज़ रखेंगे, भागवत रखेंगे न्यूज़पेपर रखेंगे। आप क्या उठाओगे पता चलता है, भक्त हो या भोगी हो। न्यूज़पेपर में खाली भोग की कथा लिखी है और भागवत में भक्ति की कथा लिखी है। आप भोग की कथा क्यों जानना चाहते हैं? मैंने एनालाइज किया था, ब्राह्मण को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसको तो ज्ञान चाहिए। उसमें ज्ञान क्या है? तो इंद्रिय भोग भरा हुआ, उसमें इंद्रिय भोग की कथा है तरह तरह के लोगों की। उसने ऐसा इंद्रिय भोग किया, उसने ऐसा इंद्रिय भोग किया, आपको इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट है ना। उसने 200 करोड़ बना लिया, अरे तुमको क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? क्योंकि आपके पैसे की इच्छा है। क्षत्रिय वैश्य को थोड़ा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसको दुनिया से कुछ यश चाहिए, उसको कुछ चाहिए, उसको न्यूज़ का इंटरेस्ट। ब्राह्मण को नहीं, और वैष्णव को तो कुछ भी नहीं, लेकिन मिनिमम कुछ पता होना चाहिए। उसको लिमिट करो, ये नहीं कि आपको ज़िंदगी खा जाए वो। चलो 5 मिनट दुनिया में रह रहे हैं, क्या हुआ, ठीक है, जैसे हेडलाइन पढ़ लिया, बस छोड़ो उसको, उसको निकालो। पापी पुरुष के वचन नहीं सुनने चाहिए, आपको भी डुबा देगा, खुद तो डूब रहा है, आप भी डूब जाओगे उसके साथ। कभी नहीं पापी, उसके वचन में भी इंद्रिय भोग भरा रहता है। अवैष्णव मुखो की तम पूत हरिकथा, उसकी हरिकथा भी नहीं सुननी चाहिए। अरे बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन लोग, ये लोग वो लोग बड़ा बड़ा कथा बोलते, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उनको, कोई इंटरेस्ट नहीं है। असा संग त्यागा, तब भक्ति शुरू होता है। भक्ति शुरू कैसे हो सकता? श्रोतव्यादिनी राजेंद्राणी नाम संतिम सहस्रशः, बार बार बोल रहा हूँ लेकिन क्या है, ये 1000 बार हर दिन चाहिए दिवाई सबको। श्रोतव्यादिनी राजेंद्राणी नाम संतिम सहस्रशः, सुखदेव गोसाई बोलते हैं पहला शब्द यही। दुनिया भर एक मुक्त पुरुष घूम रहा था, लोगों को देख रहा था, उनका तो ध्यान, वो तो राधा कृष्ण के महान भक्त हैं, उनके राधा कृष्ण की लीला में था, लोगों को देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे। प्रभुपाद जी देख रहे थे ना वृंदावन में, लोग ट्रांजिस्टर लेके, वृंदावन में ट्रांजिस्टर लेके बैठे हैं, इसलिए मंदिर में भी कोई न्यूज़पेपर लेके बैठा हुआ है, वही चीज़ हुआ। अरे वृंदावन है यहाँ, भगवत गीता पकड़ो, भागवत पकड़ो, जप करो, जप करो। कुछ मंदिरों में क्या है, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, हेडलाइन एक लगा दी जाती है, आज की हेडलाइन है, किसी को सेवा देती है, ये 5-10 हेडलाइन लगा देना बस, काफ़ी है, उतना काफ़ी है हमारे जानने के लिए। शहर में कर्फ्यू नहीं है ना, बस, और तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और क्या कहो, चीफ मिनिस्टर है, हाँ ये बन गया, बस टाइम बचाओ। श्रोतव्यादिनि राजेंद्राणि नाम संतिम सहस्रशः, 1000 चीज लोगों को सुनने के लिए, अपश्यताम आतुत, लेकिन कृष्ण को सुनने का टाइम नहीं है। गृहेश गृह मेदी नाम, ऐसे गृह मेदी, फिर ऐसा आदमी जो दुनिया भर का इंद्रिय भोग का सुनेगा सुनेगा, उसको एक आदमी को दूसरे से जलन होगी, अरे बड़ा इंद्रिय भोग कर रहा है, तुम कहाँ फंस गए भाई, ये किस गलत जगह आ गए हो, ये हमारा एरिया बेमतलब में हम फंस जाएंगे गलत जगह में। करो ग्राम कथा में, ग्राम कथा ना सुनी बे ना बोली बे, जो सुनोगे फिर वही बोलोगे। ये बैंगलोर में एक जगह में बोल रहा था, पार्क में सारे बुढ़े लोग हैं, वो मैं देखा था, हर जगह में वही होगा, सारे पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर शाम को साहब वो जो रिटायर्ड लोग इकट्ठा बैठ के
उसने ये बोला, जैसे दुनिया का भी डिसीजन इधर होने वाला है, जैसे पार्लियामेंट का मीटिंग चल रहा है, इतना इम्पोर्टेंट, बहुत सीरियस हो गया। इसलिए कभी कभी लोग जो डरने लगते हैं उनसे, बिकॉज वो पूरी दुनिया की कथा, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए ये दुनिया के स्वप्न में ना फंसे, ठीक है। ध्यान से हरि नाम, समय बचाएं, जितना समय हो सकता है बचाइए। प्रभुपाद जी बोलते थे ये जो अमृत है, पीबत भागद रसम आलयम अहो मुहु भवि कर रसि भाव कहा। एग्जैक्ट श्लोक क्या है? पीबत भागद रसम आलयम, करेक्ट। ये जो भागवत का रस है इसको पीते रहिए, जितना पिएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं नवविध भक्ति है, नवविध भक्ति में किसी को भी आप फॉलो करेंगे, भगवान भगवत धाम की तरह आपने एक स्टेप ले लिया। आप भगवान का आरती देखा, एक स्टेप ले लिया, हरि नाम कीर्तन सुना, एक और स्टेप ले लिया, थोड़ा शास्त्र पढ़ा, एक और स्टेप ले लिया, करेक्ट, प्रसाद लिया। जैसे जैसे आप ये नवविध भक्ति का कोई भी स्टेप छू रहे हैं, एक एक स्टेप भगवत धाम की तरफ ले रहे हो। अरे स्टेप लेते रहो, पीछे नहीं जाओ, उसकी तरफ जाओ। ग्राम्य कथा में फंसोगे, पीछे चले जाओगे और भूल भी जाओगे कहाँ जा रहा था, भटक जाओगे, क्योंकि भागवत कथा को सुनते रहोगे तो आप भगवत धाम की तरफ चलता रहेगा आदमी, करेक्ट ना। बिकॉज डिटर्मिनेशन नहीं है, अभी हम बद्ध जीव हैं, थोड़ा सुना है जैसे अंधे हैं, थोड़ा चल रहे हैं कृष्ण की तरफ थोड़े ज्ञान से, ठीक है। अभी आंखें नहीं खुली हमारी, अभी हम जागृत नहीं हैं पूर्ण रूप से, ठीक है, तूरिया में नहीं आए, लेकिन चल रहे हैं किसी तरह। और जैसे बोलते हैं आप चलने लगते हो, जैसे जैसे आपको दर्शन मिलता है, फिर आदमी भागने लगता है भगवान की तरफ, फिर जोर का भागता है भगवान की तरफ। अभी तो थोड़ा क्या है कि आचार्य ने उठाया, सोए हुए थे, प्रभुपाद जी ने देखो पूर्ण रूप से ज्ञान दिया, हमेशा आपके स्वप्न में नहीं घुसे, ऐसा सॉरी बोलो, ऐसा ये बोलो, ये सब बेवकूफ़ी प्रभुपाद जी ने नहीं की। उठा उठो, तुम शरीर नहीं हो आत्मा, पहला ज्ञान दुनिया भर में यही ज्ञान दिया पहला, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, ये नहीं कैसे तुम रिश्ते बना सकते। स्वप्न में उनको इंटरेस्ट नहीं था उठाने में, वो तो अर्जुन को भी कृष्ण ने भी नहीं किया, उठो, उठने के बाद चलो भगवत धाम। तो प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार हम उठे हैं और भगवत धाम की तरफ चल रहे हैं, लेकिन अभी हम दर्शन नहीं, ऐसा धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा दर्शन हो जाएगा हम भागेंगे भगवान की तरफ, फिर जोर से भागेंगे, ठीक है। फिर आदमी बहुत उसका अलर्ट रहता है, जो भोगी है वो इंद्रिय भोग के लिए अलर्ट रहता है, और जो भक्त है भगवान की सेवा के लिए अलर्ट रहता है, अपॉर्चुनिटी भगवान की सेवा के ढूंढता रहता है, ठीक है ना। श्री प्रभुपाद की Thank you.